हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य पशु ऊंटों की तस्करी का मामला, दो गिरफ्तार। ट्रक में निर्दयता पूर्वक भरकर बूचड़ खाने ले जा रहे 13 ऊंटों को बरामद, ट्रक जब्त। बाड़मेर के राज्य पशु ऊंटों को ट्रक में निर्दयता पूर्वक भरकर बूचड़ खाने ले जा रहे तस्करों पर चौटन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 13 ऊंटों को बरामद कर ट्रक जब्त किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चौटन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धनाव सरहद स्थित चौराहे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान इटादा की तरफ से एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसको चौटन थाना अधिकारी मनोहर बिश्नोई और पुलिस जाप्ता द्वारा इशारा देकर रुकवाया गया और तलाशी ली गयी। पूछताछ में ट्रक चालक ने अपना नाम सलीम उर्फ साकिब पुत्र सहजू खान जाति मुसलमान निवासी बेसी सुदाका थाना नूह जिला मेवात हरियाणा, दूसरे युवक ने अपना नाम साबिर पुत्र दीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मोहला देशराज थाना सदर बागपत जिला बागपत उत्तर प्रदेश होना बताया। ट्रक में तलाशी लेने पर कुल 13 ऊंट अलग अलग उम्र के पाए गए, जिनके पैर मुंह और गर्दन को रस्सियों से बांध कर निर्दयता पूर्वक ठूस ठूस कर भरा गया था। ऊँटों को ले जाने का कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऊँटों को उत्तर प्रदेश के बूचड़ खाने ले जाना बताया। वहीं ऊँटों को खरीद कर परिवहन कर ले जाने, लाइसेंस और परमिट के बारे में पूछने पर परमिट नहीं होना पाया गया। आरोपियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के पश्चिम प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करना पाया गया। पुलिस ने आरोपी साबिर और सलीम उर्फ साकिर द्वारा राज्य पशु ऊँटों को बिना वैध लाइसेंस और परमिट ना होने व राज्य पशुओं को क्रूरता तरीके से उत्तर प्रदेश स्थित बूचड़ खानों में ले जाने के आरोप में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2015 5/8 राजस्थान ऊँट वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियमन अधिनियम व बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने पर धारा 3/6 दंत विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।